नगर निगम के न्यू भवन के सदन हॉल में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर बैठक की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि सन 2022 से लेकर 2023 के वित्तीय वर्ष में कूड़ा बना कंचन योजना से कूड़े से जो आय का लक्ष्य रखा गया है वह 2 से 2.5 करोड़ रुपए का है। उन्होंने बताया कि MRF सेंटर जोन 4 में बना हुआ है, वहां पर गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग अलग किया जा रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है तथा साथ ही साथ अन्य जगहों से कूड़ा इकट्ठा करके MRF सेंटर में पहुंचाया जा रहा है। वहां पर गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है और जो सूखा कूड़ा है उसको अलग किया जा रहा है और प्लास्टिक को काट करके प्लास्टिक के कतरन से सड़क बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कान्हा उपवन में जोनल ऑफिसर 2 के नेतृत्व में लगभग 1250 से ऊपर गोवंश हैं, उनसे जो गोबर प्राप्त हो रहा है उनसे भी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जो जगह क्या दिक्कत है, आप जोड़ेंगे किराया हमारे जगह जुड़िए कितने दिन अगर उसी पैसे को हम अपनी अधिकारियों के वाहन किराए से गाड़ियाँ हो जाए, जैसे 3 गाड़ियाँ मतलब वो जोनल ऑफिसर, जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर, जोनल इंजीनियर, जो तीनों को गाड़ियाँ होनी चाहिए मेरा मानना है। देखिए बाहर को उसी तक हम लोग भरेंगे, एक सिस्टम लेकर एक स्ट्रेटजी बनाकर कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो बैठक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को ध्यान में रखते हुए नगर निगम गोरखपुर के द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में अपनी पूरी नगर निगम की टीम को बुलाया गया। इसमें समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त जोनल अधिकारी, समस्त एक्शन साहबान, समस्त जलकल के अधिकारीगण और हमारे समस्त इंस्पेक्टर साहबान, सुपरवाइजर साहबान सभी लोगों ने इसमें भाग ले रहे हैं और इसके साथ साथ सबको बताया जा रहा है कि हमको किन किन मानदंडों पर कितने मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम उन कामों को कर लें। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इनको मोटिवेट किया जा रहा है, इनको एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। इसके ठीक पहले हम लोगों ने यह भी बनाया था कि एक लक्ष्य लिया था कि जो 73 की बैठक हुई थी कि इस बार सन 2022 से लेकर 23 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोग कूड़े से जो आय है उसका जो लक्ष्य रखा है 2 से 2.5 करोड़ रुपए की जो एक कूड़ा बना कंचन, उस परिभाषा को हम लोग पूरी तरह से चरितार्थ करेंगे। हमारे यहाँ MRF सेंटर जोन 4 में बना हुआ है, वहाँ पर गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग अलग किया जा रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन चल रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह से जो कूड़ा है इकट्ठा किया जाए और MRF सेंटर में पहुँचाया जाए। वहाँ किचन वेस्ट से, गीले कूड़े से कंपोस्ट बनाई जा रही है, जो सूखे कूड़े हैं उनको अलग किया जा रहा है, साथ ही जो वहाँ प्लास्टिक है वहाँ पर प्लास्टिक को कट करके वहाँ मशीन लगाई गई है जो उसको कतरन से हम लोग चीफ साहब के नेतृत्व में सड़क बनाने जा रहे हैं जिसमें कि प्लास्टिक का यूज किया जाएगा। इसके साथ ही कान्हा उपवन में हमारे जोनल अफसर 2 के नेतृत्व में जो हमारे लगभग 1250 से ऊपर हमारे गौवंश हैं उनसे जो गोबर हो रहा है उससे हम लोग जो वहाँ पर उससे भी कंपोस्ट बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने
पूरे नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं अब बड़ी मात्रा में फूल निकल रहे हैं, उसको भी फूलों को इकट्ठा करके MRF सेंटर में लाकर उन फूलों से भी कंपोस्ट बना रहे हैं। कहने का आशय यह है कि हम लोग तीन तरीके से वर्तमान में खाद बनाएंगे और उस खाद को हम लोग बाकायदा पैकेज करके उसका एक ब्रांड नेम दिया है संजीवनी, बहुत ही जल्दी उसको हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं और उसको बनाने के बाद 1 किलो 2.5 किलो और 5 किलो के पैकेट में उसको हम मार्केट में सेल करेंगे और पांचों जोन में हम एक एक सेल पॉइंट बनाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि इस जैविक खाद को वो अपने घरों में ले जाएं और घर में ले जाने के बाद गमलों में अपने यहाँ जो उनके पार्क हैं उनमें अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी फसल है उसकी पैदावार को बढ़ाएगा, जो हमारे फूलों ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसके साथ साथ जो है जो इससे जो पैसे हमारी आय होगी उस पूरी आय को हम लोग अपने जितने भी सफाई कर्मी हैं या सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं उनके परिवारों पर, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे हम लोग इस पैसे को खर्च करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसमें पूरा नगर निगम मिलकर प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे और कोशिश ये है कि हम जहाँ इस खाद को अपने प्रदेश में तो बेचेंगे ही, इसको हम यहाँ से बाहर भी इसको ले जाएंगे, बाहर भी इसको बेचेंगे। इसका नाम भी हम लोगों ने एक रखा है संजीवनी, संजीवनी ब्रांड से गोरखपुर नगर निगम इसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। बहुत ही जल्दी आप लोग भी इसको मार्केट में देखेंगे।